अस्सलामुअलैकुम। ये देख लीजिए, मैं बनाने वाली हूँ मसाले वाली सिवई। हाँ, ये आप सबको मसाले दिख रहे होंगे। ये सिवई रखी हुई है प्लेट में कच्ची। और चलिए हम चलते हैं अपनी कढ़ाई के साइड पे। कढ़ाई पे मैंने रिफाइंड ऑयल पहले से ही डाल के गरम कर लिया था, और मैंने अच्छे से गरम करके इसकी आँच को स्लो कर दिया था कि इसका ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा गर्म ही सिवई जल जाएगी। चलिए अब हम अपनी सिवई को डालते हैं तेल के अंदर। ये देखिए मैंने डाल दी है। अब मैं इसमें सारी सानियाँ ऐड कर दूंगी तेल के अंदर। देखिए मैं डालने जा रही हूँ, ये देखिए। और मैं अच्छे से इसको चला रही हूँ कि इसमें सारा ऑयल लग जाए और पूरी ये ऑयल के अंदर हो जाए। देख लीजिए, क्योंकि इससे रखने से ऐसा सब एक साथ करने से ना इक्वल सारी सिवैयाँ हमारी गोल्डन हो जाएंगी, वरना कुछ डार्क कुछ लाइट रह जाएंगी। इसलिए ये देखिए धीमी आंच पे मैंने इसको फ्राई कर रही हूँ। देखिए कहीं कहीं पे इसमें गोल्डन कलर आ रहा है, तो आपको प्रॉपर इसको चलाते रहना होगा, वरना आपकी सिवई जल सकती है। और ये देखिए गोल्डन कलर आने लगा। और ये लीजिए, मेरी पूरी सिवई गोल्डन कलर की हो गई, रॉयल गोल्डन कलर। देखिए कितना प्यारा आया कलर। अच्छे से हम इसको भून लेंगे, और हम स्टेनर में इसको अब निकाल लेंगे और अलग साइड में प्लेट में रख देंगे। इसका ऑयल निकल जाए। ये देखिए मैंने इसको हटा लिया है। चलिए अब हम लोग जो है इसका एक्स्ट्रा ऑयल एक बाउल में मैंने निकाल लिया था। अब हम लोग इसमें प्याज जो पहले से मैंने काट के रखा था उसमें डाल देंगे ऑयल में, और उसको फ्राई करेंगे। लीजिए मैंने ऐड कर दिया है ऑयल में। ये देखिए फ्राई होने लगा। अब हम लोग प्याज को चला लेंगे। चलाने के बाद अब हम लोग आते हैं मसाले की साइड पे। अब हम लोग आते हैं मसाले के साइड पे अपने, जहाँ पे हमारे मसाले रखे हुए हैं। ये लीजिए, इसमें मैंने 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, और ये लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, इसी चम्मच से सारे मेजरमेंट मसालों के, ये 1 चम्मच नमक है, ये 3 चम्मच पिसी हुई धनिया है, और ये 1 चम्मच हल्दी। और हल्दी के ये बाउल में मैं पानी लेके इस मसाले में डाले दे रही हूँ। ये लीजिए कि जब तक मेरा प्याज रेड होगा तब तक हम मसाले को भीगने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मैं अच्छे से इसको मिला लूँगी, सारा मसाला मिल जाए पानी में और एक थोड़ा सा थिक सा पेस्ट तैयार हो जाए। अच्छा, सूखा मसाला हम इसलिए नहीं ऑयल में डालते कि अगर डायरेक्ट डालेंगे तो मसाला जलने का प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए हम मसाले का पेस्ट बना के ही प्याज में डालने वाले हैं। अच्छा, अभी इसकी फ्लेम कम थी तो मैंने इस फ्लेम को मीडियम पे कर दिया। ये देखिए मेरा प्याज फ्राई हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं टिप्स देना चाहूँगी, अगर प्याज आपका जल्दी से नहीं हो रहा हो तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने से क्या होता है, प्याज जल्दी से रेड होने लगता है। तो अच्छा, लेकिन मैंने इसमें नहीं नमक ऐड करा है। और ये देखिए मेरा प्याज नॉर्मली तरीके से फ्राई हो रहा है, और आपको दिख रहा होगा मेरा प्याज गोल्डन होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा 1-2 मिनट मुझे और इसको ऐसे फ्राई करना है। ये लीजिए मेरा प्याज भी फ्राई हो गया। मैं इसमें पेस्ट डालूंगी मसाले का जो मैंने बनाया है, और ये मसाले का पेस्ट डाल के मैं अच्छे से मिला लूंगी। ये देखिए मैंने सारा मसाला अच्छे से चला रही हूँ, और अब हम अपने मसाले को भुनने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मेरे मसाले में फदक लगना शुरू हो गई है, भुनने लगा है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मेरा मसाला ऑयल भी छोड़ रहा है, आप देख सकते हैं बबल्स इसके। ये देखिए, अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल 2-3 चम्मच और मैंने ऐड करे थे, क्योंकि मुझे ये ऑयल कम लग रहा था। और ये देखिए मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है, नीचे साइड पे लग रहा है।
इसलिए मैं इसको प्रॉपर चला रही हूँ क्योंकि मसाला जब जल जाता है तो आपके खाने में स्मेल आ जाएगी, इसीलिए मसाले को दानेदार भूनना है पर जलाना नहीं है। तो अपना मसाला भूनते रहे अच्छे से। ये देखिए मेरा मसाला भून गया। अब मैं इसमें सिवई ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने इसमें सारी सिवैयाँ डाल दी हैं और अब मैं मसाला उसमें ही मिला लूँगी। देखिए अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, आधे गिलास से ज़्यादा पानी है ये, थोड़ा ज़्यादा है बस। ये देखिए मैंने पानी को इसमें ऐड कर दिया और अब मैं मसाला पानी और ये सिवई सब एक साथ मिला लूँगी अच्छे से, बिल्कुल कि सारा मसाला सिवई एक सी हो जाए, क्योंकि सेम सारी सिवई में टेस्ट आना चाहिए, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं होना चाहिए इसलिए। अच्छा आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि मेरी सिवई मसाला तेल पानी सब इक्वल हो गया है। ये देखिए अच्छा मैं अभी तक इसको धीमी आंच पे रख के ही सब कर रही थी, अब मैं फ्लेम को मीडियम करूँगी। ये देखिए अब इस पे हम लोग लगा देंगे ढक्कन, पदकने के बाद थोड़ा सा ढक्कन में लगा दूँ। ये लीजिए मैंने ढक्कन को हटाया है 10 मिनट के बाद और ये देखिए मेरी सिवई प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई है। अच्छा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अलवीना के आशियाने को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और प्लीज़ सपोर्ट मी। देखिए कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। चलिए अब हम सिवई को सीधा अपने प्लेट में सर्व करेंगे। मेरे बेटे की बोतल को इग्नोर मार दीजिए। ये देखिए मैं सर्व कर रही हूँ प्लेट में। देखिए अलग अलग रेशे हैं, बिल्कुल कलर भी बहुत प्यारा आया था। ये देखिए मैंने इसमें धनिया से गार्निशिंग करी है, नींबू रखा हुआ है क्योंकि ये सिवई नींबू के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं यही नमकीन सिवई की रेसिपी दूसरे स्टाइल में लेके आऊँगी, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड करके बनाती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं फिर आपके साथ रहूँगी। ये देखिए मेरी सिवई कितनी अच्छी बनी हुई है, एक एक रेशे अलग अलग है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई ऑल वीडियो।